नमस्कार दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं गजनिया के इन सुंदर फूलों से। अब इस समय अप्रैल में गजनिया के पौधों में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग देखने को मिल जाती है। मई तक इनमें फ्लावरिंग होती है, उसके बाद इनकी फ्लावरिंग रुक जाती है। ऐसे बहुत सारे पौधे होते हैं जिनको नर्सरी से केवल एक बार ही खरीदना पड़ता है। एक बार जब हम ये पौधे लगा लेते हैं तो इनकी कटिंग लगा कर या इनको डिवाइड करके आप कई पौधे बना सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे पौधे होते हैं, मगर आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे पौधों के नाम बताऊंगा जिनको डिवाइड करके एक से कई पौधे बनाए जा सकते हैं। मैंने इस लिस्ट में ऐसे पौधे ऐड किए हैं जो परमानेंट हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये सभी पौधे दिखाऊंगा, साथ साथ इनकी कुछ केयर टिप्स भी डिस्कस करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। सबसे पहला जो प्लांट मैंने लिया है उसका नाम है ड्रेसिना। ड्रेसिना की कई वेराइटीज़ हमें मिल जाती हैं और इन पौधों को डिवाइड करके कई पौधे बनाए जा सकते हैं। अब इस समय गर्मी अधिक होने लगी है, गर्मी के मौसम में आप इन पौधों को डिवाइड ना करें, बरसात के सीज़न में आप इनको डिवाइड कर सकते हैं। अब अप्रैल मई में अधिक गर्मी होने की वजह से हमें पौधों की रिपोर्टिंग या डिवाइडिंग नहीं करनी है। ड्रेसिना महात्मा का ये पौधा देखिए, इसकी कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। यदि आप इस पौधे की अच्छी केयर कर लेते हैं तो ये कई सालों तक हमारे गार्डन में बना रहता है। इस पौधे को भी इसी प्रकार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। जब इनको डिवाइड किया जाता है तो 10 से 12 दिन में इनकी रूट स्टेबल होती हैं। तब तक आप इनको छायादार लोकेशन में रखिए, इनमें ब्राइट सनलाइट भी नहीं गिरनी चाहिए। दूसरे नंबर पर है ये पीस लिली। पीस लिली में अब इस समय देखिए फ्लावरिंग बर्ड्स भी निकलना शुरू हो गई हैं। मैंने इसके एक ही पौधे से कई पौधे बनाए हैं और इन सभी को मैंने डिवाइड करके अलग अलग गमलों में लगा लिया है। पीस लिली एक इंडोर डेकोरेटिव प्लांट होता है जिसमें फ्लावरिंग भी होती है और इस प्लांट को एयर प्योरीफाइंग प्लांट माना जाता है। नर्सरी में हमें ये प्लांट महंगा मिलता है। मैं इसका एक प्लांट 100 रुपये में लेके आया था और मैंने इसके 8 से 10 प्लांट बना लिए हैं। ये एक ऐसा परमानेंट प्लांट होता है जो ह्यूमिडिटी पसंद करता है। इसकी मिट्टी में और इसके पत्तों पर नमी बनी रहनी चाहिए। हर रोज़ इसके पत्तों पर पानी का छिड़काव करना है, नहीं तो इसके पत्तों की टिप ब्राउन हो जाती है। अब मैं आपको पीस लिली का वो पौधा दिखाता हूँ जिससे मैंने डिवाइड करके ये कई पौधे बनाए हैं। देखिए अब भी इसमें से नए नए पौधे निकल रहे हैं। ये वो मदर प्लांट है जिसको मैं एक साल पहले ख़रीद कर लाया था। तीसरे नंबर पर है एलोकेशिया कुकुलाटा। ये भी एक इंडोर डेकोरेटिव प्लांट होता है जो एयर को प्योरीफाई करता है। इस प्लांट को भी इसी प्रकार डिवाइड करके एक से कई पौधे बनाए जा सकते हैं। इसके पत्ते पान के आकार के होते हैं जो बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। एक साल पहले मैं इसको लेके आया था और इसके मैंने कई पौधे बना लिए हैं। एक और पौधा मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इसमें 2-3 अलग अलग स्टेम हैं। इनकी स्टेम को आप आसानी से डिवाइड कर सकते हैं और इनका मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है। एलोवेरा की तरह इस प्लांट के भी नए नए पप्स निकलते रहते हैं जिनको आप डिवाइड करके अलग अलग गमलों में लगा सकते हैं। इनको भी आप नर्सरी से ना खरीदें, कहीं भी इसका एक प्लांट मिल जाए तो इसको लगा लीजिए, उसी प्लांट से कई पौधे बन जाएंगे। चौथे नंबर पर है फॉक्सटेल फर्न। इसकी भी ऐसी कई ब्रांचेज निकलती रहती हैं जिनको आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। इनकी ब्रांचेज लंबी फॉक्स टेल की तरह होती हैं, इसीलिए इस प्लांट को हम फॉक्स टेल फर्न के नाम से जानते हैं। फर्न की और भी कई वेराइटीज़ होती हैं, सभी वेराइटीज़ को आप डिवाइड करके लगा सकते हैं। इन प्लांट्स को आप इंडोर भी ग्रो कर सकते हैं और ये पौधे आउटडोर भी चल जाते हैं। 3 से 4 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट भी ये पौधे सहन कर लेते हैं। हैंगिंग बास्केट में इन पौधों को लगा लिया जाए तो ये पौधे बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। मैं इसका छोटा सा पौधा 40 रुपये में लेके आया था और अब देखिए इसकी कितनी ब्रांचेज निकल चुकी हैं। एक साल में ही ये पौधा पूरे गमले में भर जाता है। मैंने इसको एक वेस्ट बोतल में ही लगा रखा है। इसको मैं बरसात के सीज़न में डिवाइड करके अलग अलग गमलों में लगा लूँगा।
पांचवें नंबर पर इस लिस्ट में है रेफिस पाम, जिसको हम लेडी पाम के नाम से भी जानते हैं। इस पाम की वैरायटी के नीचे नए नए पौधे निकलते रहते हैं। देखिए, इस प्रकार ये पौधा धीरे धीरे करके पूरे गमले में फैल जाता है और ये घना बन जाता है। इनको घना बनाने के लिए ना तो हमें इनकी ब्रांच प्रूनिंग करनी होती है, ना ही इनकी ब्रांचेज को ट्रिम करना होता है। अपने आप ही इनके नए नए पौधे निकलते रहते हैं और ये पूरे गमले में फैल जाता है। इस पौधे को भी स्टेम से डिवाइड करके लगाया जाता है और इसकी स्टेम बहुत ही हार्ड होती है। इनको डिवाइड करते समय भी हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इनकी पुरानी मेन स्टेम के साइड से जो नए नए प्लांट्स निकलते रहते हैं, उनको आप किसी शार्प नाइफ से काटकर अलग कर लीजिए। यदि आप इसको पूरे गमले से बाहर निकाल कर मिट्टी को पानी में भिगो देते हैं और मिट्टी अलग कर लेते हैं, तो इनकी सभी रूट्स आपको साफ साफ नज़र आएंगी और इस प्रकार आप इनके सभी पौधों को अलग कर सकते हैं। इस लिस्ट में छठे नंबर पर है स्नेक प्लांट, जिसको हम सेंसिविरिया के नाम से जानते हैं। इनकी कई वैरायटीज हमें नर्सरी में मिल जाती हैं। सभी वैरायटीज बहुत ही सुंदर होती हैं। इनको आप डिवाइड करके लगा सकते हैं। ये एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स होते हैं, इसलिए ज़्यादातर इनको इनडोर डेकोरेटिव प्लांट के रूप में लगाया जाता है। इनका एक भी पौधा यदि आप ले आते हैं तो एक दो साल में इनके बहुत सारे पौधे बन जाते हैं। आप इनको डिवाइड करके लगाते रहें। इनकी यदि आप कटिंग लगाना चाहते हैं तो कटिंग से भी ये पौधे तैयार हो जाते हैं। इनके एक सिंगल पत्ते से बहुत सारे पौधे बनाए जा सकते हैं। सिंगल पत्ते को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर मिट्टी में लगा लीजिए, उनमें रूटिंग शुरू हो जाएगी। इस प्रकार इनके कई पौधे तैयार किए जा सकते हैं। सातवें नंबर पर है अरेका पाम। अरेका पाम भी इंडोर डेकोरेटिव प्लांट होता है, जो एयर को प्योरीफाई करता है। ये प्लांट भी हर घर में लगाया जाता है, क्योंकि इनके पत्तों की सुंदरता देखते ही बनती है। इंडोर डेकोरेटिव प्लांट के रूप में इस प्लांट का नाम टॉप लिस्ट में आता है। इस पौधे के पत्ते बहुत ही सुंदर होते हैं। ये हमारे गार्डन में ग्रीनरी भी ऐड करता है और हवा को शुद्ध भी करता है। इस प्लांट की भी मेन स्टेम के साइड से नई नई स्टेम निकलती रहती हैं। इस प्रकार ये पौधा घना बनता जाता है। ये देखिए, इसकी अलग अलग स्टेम आपको दिखा रहा हूँ। इनको आप अलग करके अलग अलग गमलों में लगा सकते हैं। इस प्रकार आप इनके एक पौधे से कई पौधे बना सकते हैं। ये प्लांट भी हमें नर्सरी में महंगे मिलते हैं। इनका छोटे से छोटा पौधा भी हमें 100 रुपये से कम नहीं मिलेगा। इस प्लांट को आप छायादार लोकेशन में रखिए। इनके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट नहीं गिरनी चाहिए। डायरेक्ट सनलाइट जब इन पौधों पर गिरती है तो इनके पत्तों की टिप ब्राउन होने लगती है और ये पौधे सूखने लगते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है उसका नाम है कैलिथिया जेबरिना, क्योंकि इसके पत्ते जेबरा की तरह दिखाई देते हैं। ये एक बहुत ही सेंसिटिव प्लांट होता है। गर्मी के मौसम में तो इस पौधे को बचाना काफ़ी मुश्किल होता है। हमें दिन में कम से कम 2 बार इसके पत्तों पर पानी का छिड़काव करना पड़ता है। वैसे तो इस प्लांट में गर्मी के सीजन में ही नई नई ग्रोथ होती रहती है, मगर ये पौधा ह्यूमिडिटी पसंद करता है। अधिक गर्मी के मौसम में इसके पत्ते मुड़ने लगते हैं और इसके पत्ते ब्राउन होने लगते हैं। बहुत अधिक सर्दी के मौसम में ये पौधा डोरमेंसी में चला जाता है और इसके सारे पत्ते सूख जाते हैं। इसलिए इस पौधे की यदि आपको अच्छी केयर करनी है तो इसको आप रख सकते हैं। यदि आप इस पौधे को अधिक गर्मी और अधिक सर्दी से बचा लेते हैं तो ये पौधा जल्दी मल्टीप्लाई हो जाता है। इसके एक मेन स्टेम के साइड से नए नए स्टेम निकलते रहते हैं और इसके कई पौधे बन जाते हैं। इस लिस्ट में 9वें नंबर पर है गजनिया। गजनिया के पौधे विंटर फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, मगर इनकी अच्छी केयर की जाए तो ये पौधे कई सालों तक हमारे गार्डन में बच जाते हैं। इनके पुराने पौधे जब सूखने लगते हैं तो उनसे पहले ही आप इनकी ब्रांचेज को डिवाइड करके लगा लें। इनके अलग अलग पौधे रूट समेत निकल आते हैं। आप इनको छोटे छोटे गमलों में लगा लें और जैसे ही ये पौधे ग्रोथ करते रहते हैं उसी प्रकार इनके गमले का साइज चेंज करते रहें। इस प्रकार इन पौधों को डिवाइड करके कई पौधे बनाए जा सकते हैं। मैंने इनकी ब्रांचेज को डिवाइड करके अलग अलग गमलों में लगाया है। मैं आपको 2 पौधे दिखाता हूँ। ये देखिए, अब इनमें फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। इस प्रकार इनके
एक ही पौधे से कई पौधे बनाए जा सकते हैं। वीडियो के लास्ट में 10वें नंबर पर मैं आपको ये पर्पल हार्ट का प्लांट दिखा रहा हूँ। ये गर्मी के सीजन में ही बहुत ही अच्छी ग्रोथ करता है और इसमें फ्लावरिंग भी होती है। इस प्लांट को आप डिवाइड करके लगा सकते हैं, इसके एक छोटे से पौधे से ही कई पौधे बन जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।